So, hey guys, welcome back to the video. So, भाई देखो कुछ लोग मेरे को बता भाई यहाँ पे चैट जीपीटी का फाइनल एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, वो वीडियो भी भाई बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपने वो अभी तक इंटरेस्टिंग सीरीज मिस किया भाई, उसका लिंक मैं बिल्कुल एंड में डालने वाला, वहाँ पे आप जाकर देख लेना। तो बात कुछ ऐसी भाई, दो दिन पहले यहाँ पे आईसीसी ने भाई T20 टीम ऑफ द ईयर एंड भाई ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट किया। सो हमने सोचा भाई क्यों ना ये मौका नहीं छोड़ते और बढ़िया सी वीडियो बनाते हैं। आज हम करने जा रहे हैं इन दोनों टीम के बीच मैच। एंड भाई लोग आज की वीडियो के ऊपर हम करेंगे भाई 1.5 के लाइक्स, और भाई अभी तक हमें 83.8% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई प्लीज जो नीचे आपको ग्रे बटन दिख रहा है उसको जल्दी दबाओ और उसको रेड कर दीजिए, ताकि भाई हमारे चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी भाई 50 के हो। तो भाई मैं तो जा रहा हूं टॉस किया, और भाई आप भी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके ग्राउंड में पहुंच जाओ, और देखते हैं भाई आज के मैच कौन जीतने वाला है। तो भाई लोग हम आज के ग्राउंड में, इट्स रोहित शर्मा अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव। भाई इस दोनों टीम से भाई इंडियंस भरे पड़े हैं। भाई मैं खेलूंगा उस टीम से जो यहाँ पे टॉस हारने वाली है। तो भाई यहाँ पे रोहित शर्मा की टीम टॉस जीती है, मतलब हम खेलेंगे भाई सूर्य कुमार यादव की टीम की तरफ से। एंड भाई हमारी पहले बॉलिंग, भाई इनको कैसे पता चल जाता है भाई मेरे को चेसिंग पसंद है। तो भाई आज भी हम चेस करने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी ग्राउंड में करते हैं बॉलिंग की शुरुआत। तो भाई पहली बॉल के लिए जा रहे हैं रोहित शर्मा, बॉलिंग कर रहे हैं, पता नहीं कौन, नगरावा आई थिंक सो जिम्बाब्वे से आया लड़का। और जिम्बाब्वे को तो रोहित शर्मा ऐसे देख रहा है जैसे भाई बच्चे बॉलिंग कर रहे हो सामने। पहली बॉल चौका मार दिया। भाई मेरी टीम की बॉलिंग बहुत बेकार है भाई, मेरे पास एक अर्शदीप सिंह और बिश्नोई ही ऐसे बॉलर, और यहाँ पे रोहित शर्मा जी। ओ पाजी खड़ जो की हो यार पाजी, वेयर यू वांट टू गो, कल सुबह पनवेल निकलना। भाई तीन बॉल में 11 रन है फाइनली। भाई सामने सूर्य मतलब शुभमन गिल आया है, मैं तो कंफ्यूज हो गया, उसी कंफ्यूजन में चौका निकल गया और चार बॉल में 15 रन हो गया यार। भाई मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे अर्शदीप सिंह की भी पिटाई हो सकती है, क्योंकि जैसे ही खेल रहे हैं ना बढ़िया शॉट। सुमन पाजी व्हाट हैपेंड सर, व्हाट हैपेंड भाई, 23 रन पहले ओवर में। खराब हो जाएगा, मैं मां अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अर्शदीप सिंह आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना हम तो खत्म है भाई। भाई मेरे को यहाँ पे उम्मीद है भाई, मेरा सिंह साहब यहाँ पे विकेट निकालेंगे। लेट्स सी, गुड शॉट ऑफ द डे है भाई मेरे लिए, हैंड्स अप, व्हाट अ शॉट भाई, व्हाट अ शॉट दैट वाज यार, मजा आ गया भाई, व्हाट अ शॉट, ग्रेट शॉट सुमन पाजी, विकेट दे दो भाई। सुमन गिल मेरी इतनी बात क्यों मान रहा है, मतलब मैंने बोला विकेट तो उसने दे दी भाई, बड़ी विकेट है भाई। तो भाई ट्रेविस हेड आ चुका भाई, इसने भाई इंडियंस को परेशान किया हुआ है, पहले WTC फाइनल, बोल्ड हो जा ओए भैर की शीकी बच गया। सो भाई मेरा बिश्नोई, ये बंदा विकेट निकालेगा, ये जो है बिश्नोई इज बॉलिंग गुड भाई, तीन बॉल में 3 रन ही दिए। लेट्स सी बिश्नोई भैया, बाय गो मेरी गॉड, बे 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 मेरी जान, यहां पे विकेट निकालनी पड़ेगी आपको। कौन है नीचे, ये तो बंदा कैच कर लेगा, पता नहीं कौन है, शक्ल बहुत अजीब सी थी, बट यहाँ पे विकेट निकाले भाई अजीब सी शक्ल वाले ट्रेविस हेड की, ये बंदे की विकेट है इसकी भाई, पर्सनल मतलब पर्सनल रंजिश है भाई मेरे इसके साथ। भाई हेड है क्या, तो विराट आ गया, मतलब भाई पिटाई तो दोनों साइड से होनी है। तो बिश्नोई हैज बोल्ड रियली गुड यार, 4 बॉल में 3 रन के साथ 1 विकेट, यहाँ पे विराट द किंग कोहली पता नहीं क्या खा कर रहा है, पहली बॉल पे छक्का मारा भाई इतने लंबे वाला। भाई विराट कोहली ने पहली बॉल में भाई 108 मीटर का छक्का मारा यहाँ पे, माय गॉड भाई पहली बॉल चक्का, दूसरी बॉल बोल्ड, विराट कोहली क्या खाकर आया था। विराट भाजी फीलिंग सैड फॉर यू, चल झूठा भाई। विराट गया तो डेरन मिचेल आ गया, ये भी अच्छा प्लेयर लगता है यार मेरे को भाई। यहाँ पे जो प्लेयर है ना सामने डेरन मिचेल, ये आपको पता बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है बहन का पकौड़ा। बच गया यार पहली बॉल पे एज का चौका, नहीं जाना चाहिए, पकड़ लो भाई, हो गया भाई टच वुड। हमारे यहाँ पे स्पिनर्स बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं यार, लेट्स सी रोहित भैया की विकेट, ये अच्छी कर रहे हैं, छक्का खा रहे हैं भाई, जब जब बोल दो ये अच्छी कर रहे हैं, साथ में छक्का मारते थे रोहित शर्मा पता नहीं कहां से आके। कम ऑन यार, कोई मसला नहीं रजा जी, देखो विकेट निकालनी बनती है छक्का खाने के बाद, बेइज्जती हो रही है, बोलता बेइज्जती हो रही फिर क्या करूं भाई, सामने रोहित शर्मा है, सूर्य भाई उसकी कोई गलती नहीं है, सामने रोहित शर्मा है, वो कमला हो गया है भाई। यहाँ पे इस ओवर में 14 आ चुके हैं अभी तक, शॉट है प्लेयर नहीं है, है ना प्लेयर आउट ऑफ द ग्राउंड ही जाएगा, वहां पर जाके पकड़ के आएगा, बताओ मेरे को रमजानी जी। यहाँ पे रोहित शर्मा की विकेट निकालो, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी विकेट होगी भाई। रोहित शर्मा ने आज विकेट देने वाला भाई, आज देना ही नहीं भाई, स्कोप ही नहीं विकेट का। सो भाई इट्स बिश्नोई अगेंस्ट मिचेल, मिचेल जी विकेट दे दो बिश्नोई को, दे दी विकेट, आ गई प्लेयर आ गया है नीचे भाई, यहाँ पे कैच होना चाहिए मेरी जान, हो जाएगा। यहाँ पे बिश्नोई आया और विकेट निकाली, वो भी डेरन मिचेल की, जो कि बहुत लंबे लंबे छक्के मार सकता है भाई। हेनरिक क्लासन आपको पता है क्या खेल रहा है, वो साउथ अफ्रीका वाली लीग में अलग लेवल मार रहा है ये लड़का। तो बिश्नोई इज बॉलिंग गुड, बट सामने जो प्लेयर आया भाई वो प्योर हिटिंग करता, प्योर मतलब प्योर ऐसी वाली छक्के मारता भाई, स्टैंड एंड डिलीवर वाले। तो मजा आएगा बिश्नोई अगेंस्ट रोहित मैन शर्मा। शर्मा जी ये कब सीखा, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को ये बताओ पहले रोहित शर्मा ने ये शॉट मारना सीखा किससे है और कब सीखा। यहाँ पे विकेट है, यहाँ पे बिश्नोई की एक और विकेट है, बिश्नोई की फोर्थ विकेट है, यहाँ पे चैपमैन भैया जी कैच कर लेंगे बिश्नोई का, ग्रेट पहला भाई। यहाँ पे दो ओवर में 121 रन दिए, निकाली भाई 4 विकेटें हैं बिश्नोई, ग्रेट पहल भाई। तो भाई वहां से बॉलिंग करने आया भाई रिचर्ड नगरावा रावण भाई, ये तो एक ओवर में 23 रन दे रखा है, कोई सेंस है इस बात की। तो भाई इट्स रावण अगेंस्ट रोहित शर्मा, रावण जी विकेट निकालेंगे, कम ऑन
भाई ये नहीं निकाले गए यहाँ पे। रोहित शर्मा की 50 होगी भाई 6 के साथ यहाँ पे। पुल मारा भाई रोहित शर्मा ने 21 बॉल में 54 रन भाई। आउटसाइड ऑफ 23 रन यॉर्कर डालने वाला हूँ भाई जान विकेट प्लेयर है नीचे यहाँ पे कैच इट और मार दिया यहाँ पे रोहित भैया ने हमें। तो भाई अर्शदीप सिंह को भी यहाँ पे मैं अराउंड विकेट लेकर आऊँ। आखिरी ओवर इट्स रोहित शर्मा अगेंस्ट यहाँ पे विकेट 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 कैच इट मुश्किल है बॉल कर ले भाई। भाई शर्मा जी की विकेट आ गई थी यार, मतलब मैं क्या करूं भाई, मेरी जिंदगी झंड फिर भी कमंड है यहाँ पे। अब रोहित शर्मा नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं नहीं छोड़ेगा। अब मैं कैसे छोड़ूंगा यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि उसने बहुत तोड़ा मेरे को यहाँ पे। सिंह साहब ज्यादा एंजॉयमेंट मत करो भाई, रोहित शर्मा कप्तान साहब बात करते हैं टीम से। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ भाई। यहाँ पे अर्शदीप सिंह लेट्स गो, एक और विकेट मिल जाएगी तो मजा आएगा। कमॉन सर गुड बॉल है यार, अच्छा यॉर्कर और भैन के भाई बॉल पकड़ भाग के यार भाई फालतू का चौका भाई। फुद्दू फील्डिंग है इस गेम की। कैच इट मुश्किल कैच बट नामुमकिन नहीं है यहाँ पे। सिंह साहब की एक और विकेट भाई, तीसरी विकेट निकाली सिंह साहब ने। जांपा चल अपने घर की ओर भाई। अगर पहली बॉल पे कैच ड्रॉप ना होता इस ओवर में कुछ रन ही नहीं आते। कम ऑन आखिरी बॉल लेट्स गो यॉर्कर तेज तरार। वाओ आखिरी बॉल परफेक्ट यॉर्कर बोलते हैं यहाँ पे सिंह साहब की। और भाई 120 रन का टारगेट मिला है और साथ साथ भाई अर्शदीप सिंह ने विश्वजीत भाई निकाली है चार विकेटे। तो भाई लोग देखते हैं क्या हम ये 120 रन यहाँ पे चेस कर पाएंगे क्योंकि भाई सामने वाले की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा तकड़ी होने वाली है। तो भाई चेस की शुरुआत करने हैं। जायसवाल हेलमेट डालना नहीं भूल गया क्या जायसवाल? ओके कुलदीप भैया पहली बॉल डालने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। रोहित शर्मा को बता भाई पनवीर सिंह को यहाँ पे स्पिन खेलनी आती नहीं है। पहली ओवर यहाँ पे नहीं पकड़ लिया उसने। सबसे पहले घबराना नहीं है भाई। कुलदीप को टैग करो या डिफेंड करो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे अटैक ही करूंगा यार, मेरे से डिफेंड नहीं होगा। टारगेट बहुत बड़ा है पहले रन 6 के साथ भाई। इस टीम के पास सिराज भी है शामी भी है तब भी भाई यहाँ पे ये कुलदीप यादव से मतलब तैयारी करवा रहे पहले ओवर की। यहाँ पे बढ़िया शॉट है और जायसवाल बोलता है थैंक यू वेरी मच चौका खा लो जाकर भाई। 4 बॉल में 10 रन आ चुके, अभी थोड़ा प्यार से खेलने यहाँ पे। माय गॉड कुलदीप यादव व्हाट अ बॉल यार। सो भाई इट्स सिराज अगेंस्ट फिल सॉल्ट और यहाँ पे सॉल्ट भैया को इतना रूम दे दिया इतना बड़ा गैप देके। तो भाई चौके मारने वाला हूँ मैं तो। सो भाई इट्स मोहम्मद सिराज अगेंस्ट जायसवाल भाई। यहाँ पे बाउंसर की तैयारी हो रखी है आई थिंक सो। फुल बॉल की थी भाई, ब्लफ कर रहा था यहाँ पे मियां मेरे को, मैं होने नहीं वाला। जाओ लेकर आओ बॉल। 3 ओवर के बाद 27 पे 0 यहाँ पे शामिल डल जा रहे। 4th ओवर स्ट्राइक पे हमारा जायसवाल है। जायसवाल भैया मारना है, रुकना नहीं है दबना नहीं है और चौका मार देना है। बढ़िया शॉट भाई। पहली बॉल चौका पड़ने के बाद शामिल ने कमबैक अच्छा किया भाई, लगातार 2 डॉट बॉल निकाली है। यहाँ पे फुल टॉस डाल दी यहाँ पे जायसवाल, बोलता वेरी मच थैंक यू भाई। पिछली बॉल मैंने बोला वेरी मच थैंक यू, बोलना था मैंने थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने दूसरी बॉल भी फुल टॉस डाल दी और चुक्का खा लिया है भाई। एक साइड खेल रहा है जायसवाल 40 में, दूसरी साइड फील्ड शॉट खेल रहा है 9 रन पे। फॉल्टी भाई आपको मारना पड़ेगा, ऐसे मारना पड़ेगा, गैप भी करके मारना पड़ेगा, 1 बॉल चौका मारना पड़ेगा। व्हाट अ शॉट भाई, 67 रन चाहिए 34 बॉल है, मतलब अटैक फुल ऑन करना पड़ेगा। कम ऑन यार, शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, आइडियल टाइमिंग। फील्ड शॉट की बारी है, पहले जैस वाले मारे, अब आ रही है भाई फील्ड सॉल्ट की। भाई डेरन मिचेल के यहाँ पे 2 लगातार डॉट आ चुके, अटैक करना पड़ेगा भाई मिचेल को। कम ऑन यार, देख के यहाँ पे एज निकला, गैप में गया भाई, किस्मत का चौका गया भाई। भाई यहाँ पे क्राउड भी फुल ऑन एनवायरनमेंट ले रही है यहाँ पे। शॉट है ये हमें छक्का चाहिए था क्योंकि भाई बहुत टाइम से हमें यहाँ पे छक्का या चौका नहीं आया था भाई। 2 बॉल पे 2 छक्के आ चुके हैं सॉल्ट भैया, लेट्स सी यहाँ पे एक और छक्का मारते थे। एच का चौका आ गया भाई, मैंने बोला ना आपको अगर ऐसी चीज करनी है तो भाई आपको किस्मत चाहिए और यहाँ पे नो बॉल भी है भाई, किस्मत तुम्हारे साथ है। तो भाई इट्स नो बॉल भाई, यहाँ पे नो बॉल पे चक्का पड़ता चाहिए। कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन फील्ड भाई यार, 34 रन चाहिए 18 बॉल में। कम ऑन यार, कम ऑन, शॉट है यहाँ पे, प्लेयर आ गया यहाँ पे, कैच हो गया यार, जायसवाल की विकेट है। अब आएगा भाई सूर्य कुमार यादव, इससे बढ़िया प्लेयर यहाँ पे कोई होने नहीं। जांपा कीपिंग कर रहा है, ओ माय गॉड जायसवाल, जांपा कीपिंग कर रहा है तेरे को पता है। तो भाई मैं यहाँ पे निकलस पूरन को लेकर आया हूँ, सूर्य भाई को नहीं लेकर आया मैं, निकलस पूरन को देखते हैं अटैक करते हैं भाई। यहाँ पे जांपा विकेट कीपिंग कर रहा है यार, ऐसे नहीं होता यार, मतलब ओ माय गॉड हो गया भाई यहाँ पे ओडिया वालों के साथ, ओ माय गॉड हो गया भाई। पहली बार चौका आ गया, अब आपकी बारी है मतलब और मारने की लंबे भाई। मैं पूरन को यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि भाई सामने राइटी है और साथ में लेफ्टी चाहिए था पूरन भाई। यहाँ पे अनरियल हिटिंग हो रही है भाई यहाँ पे, इस ओवर में भी 10 रन आया। आखिरी बॉल लेट्स गो फॉर, एक और छक्का आ गया भाई, इजी पिकिंग थी भाई ये पूरन के लिए। अगर आप यही बॉल डालने वाले भाई, पूरन आंखें बंद करके लंबा लंबा छक्का मार देगा यहाँ पे भाई। यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने फील्डिंग क्या लगा रखी है, लेंथ बॉल आ सकती है तो थोड़ा कम ऑन देखिए यार। शॉट है भाई आपको बोल रहा हूँ भाई, किस्मत चाहिए आज वो मेरे साथ ही है भाई। यहाँ पे चौका आ चुका, किस्मत का चौका आया है
यहाँ पे ये किस्मत कहानी है भाई, ये स्टैंड एंड डिलीवर आइडियल टाइमिंग वाला छक्का भाई, ये बहुत लंबा छक्का गया भाई पूरन के बल्ले से भाई, इतना बड़ा टारगेट क्या मैं 9 ओवर में चेस करने वाला हूँ, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा ये चीज, मोहम्मद सिराज को भी नहीं हो रही भाई, मिचेल डालन जा रहे भाई यहाँ पे लास्ट ओवर भाई, मैं यहाँ से हक सकता हूँ क्या, मैं ट्यूशन आ रही, मैं यहाँ से हक ना दूं, कम ऑन देख के शॉट नहीं, हकना नहीं है, हक दिया तो भाई फिनिशिंग करने के लिए कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव इज सेट टू बैट भाई, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आराम से खेल के सिंगल निकालूं भाई, भाई 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 निकल गया, ये भी भाई अर्ली टाइमिंग हुई थी, प्लेयर ऊपर लगा था बच गया इसलिए मैं भाई, व्हाट अ चेज, व्हाट अ मैच भाई, मजा आ गया, मतलब 9.4 ओवर्स में भाई मैंने इतना बड़ा टारगेट चेज किया, वो भी 8 विकेटों से जीता भाई मैं, तो भाई लोग आप बताओ भाई आपके मैच कैसे लगा, बिल्कुल भाई बहुत मजा आया चेज करने में, तो भाई लोग इस साइड आ रहे भाई आपकी चैट जीपीटी की प्लेलिस्ट और इस साइड आ रहे भाई आरसीबीएल की प्लेलिस्ट, जो दिख रही भाई एंजॉय करो, देख लो, लाइक करके जाना जल्दी से, मैं मिलेगा बहुत जल्दी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।